Edusolid's education with peace of mind. Hello everyone, welcome to Edusolid. Widespread massive protests, railways burned, highways blocked, high alert amid calls for Bharat Band. All this after the announcement of new defense recruitment scheme by government Agnipath. In today's video, let's find out each and everything related to this scheme. आज के वीडियो में हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में जानेंगे अग्निपथ के बारे में सारी डिटेल्स और इसका इतना प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है. बट उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एडुसोलिस. आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए एजुकेशनल वीडियो बनाने का. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ. सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज अग्निपथ स्कीम. इस स्कीम का गवर्नमेंट ने 14 जून 22 को अनाउंस किया था. ये डिफेंस रिक्रूटमेंट स्कीम है जिसके अंडर सोल्जर्स, एयरमैन, सेलर्स का रिक्रूटमेंट किया जाएगा बिलो द ऑफिसर्स रैंक. सैनिक लेवल की भर्ती अग्निपथ स्कीम के अंडर की जाएगी. इसका जो एक मेन पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर जो भी रिक्रूटमेंट होगा, जो सर्विस होगी, वो सिर्फ 4 इयर्स की रहेगी. उसके बाद 75% लोगों को डीमोबिलाइज कर दिया जाएगा, यानी उन्हें निकाल दिया जाएगा. ओके, तो ये है शॉर्ट में अग्निपथ स्कीम. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका जान लेते हैं. इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं. उनकी एज लिमिट होनी चाहिए बिटवीन 17.5 टू 21 इयर्स. मासिव प्रोटेस्ट के चलते इसकी एज लिमिट बढ़ा के गवर्नमेंट ने 23 इयर्स कर दी, क्योंकि आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ दिस स्कीम बहुत सारे कैंडिडेट्स इनएलिजिबल हो जा रहे थे इतनी कम एज लिमिट के चलते. एक्चुअली अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो 2019 के बाद से कोई भी भर्ती नहीं की गई है और गवर्नमेंट ने कोविड-19 को इसका रीजन बताया है. और हर साल अराउंड 50,000-55,000 लोग रिटायर हो रहे हैं, जिसके चलते एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है. तो गवर्नमेंट ने ये नई स्कीम निकाली है अग्निपथ, जिससे कि हमारे पास हमेशा ही एक रेडी फोर्स रहेगी. ओके, और एलिजिबिलिटी में ये भी जान लीजिए, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th या 12th पास होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द डिपार्टमेंट यू आर अप्लाइंग फॉर. अगर आप जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो 10th पास, और अगर टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए जा रहे हैं तो 12th पास. और इससे जुड़े मेजर पॉइंट्स जान लेते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो इसका टेन्योर है वो सिर्फ 4 इयर्स का है. इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट. 6 मंथ्स की इसमें आपको ट्रेनिंग मिलेगी और 3.5 इयर्स की आपकी इसमें फिर सर्विस रहेगी. जब आपके 4 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो 25% लोगों को इसमें रिटेन कर लिया जाएगा फॉर परमानेंट कैडर. इसका सिलेक्शन होगा बेसिस ऑफ मेरिट, विलिंगनेस एंड मेडिकल फिटनेस. तो अगर आप मेरिट पे आते हो तो आप सेलेक्ट हो जाओगे और बाकी 75% लोगों को अपने अपने घर जाना पड़ेगा. इसके साथ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जब 75% लोग डीमोबिलाइज्ड होंगे तो उनको सेवा निधि के अंडर 11.71 लाख का पैकेज दिया जाएगा. बट जो सबसे मेन पॉइंट है इस स्कीम में वो ये कि इसमें कोई भी पेंशन बेनिफिट नहीं है, किसी तरीके का एक्स सर्विसमैन बेनिफिट्स नहीं है, कुछ ग्रेच्युटी नहीं है, कुछ मेडिकल बेनिफिट्स नहीं है. इसलिए इस स्कीम का बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है. और इसके अंडर रिक्रूटमेंट साल में 2 बार किए जाएंगे. अराउंड 45,000 पर्सनल इस साल सेलेक्ट किए जाएंगे. इस स्कीम के अनाउंसमेंट के चलते ही जगह जगह मासिव प्रोटेस्ट देखने को मिले. सबसे पहले ये बिहार में चालू हुआ और उसके बाद ये 8 स्टेट्स में प्रोटेस्ट फैल गए. लोगों ने ट्रेन्स और बसेस जला दी, बहुत ज्यादा हैवी पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज किया गया और उन्होंने बोला कि इसको स्कीम को रोल बैक कर लिया जाए. रेलवेज हैव सफर्ड लॉसेस ऑफ अराउंड 700 करोड़, विद 60 ट्रेन कोचेस बर्न एंड 369 ट्रेन्स बींग कैंसल्ड. रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड गवर्नमेंट रेलवे पुलिस हैव साउंडेड हाई अलर्ट अमिड्स कॉल फॉर भारत बंद. हाई अलर्ट का अनाउंसमेंट कर दिया गया. साथ में पुलिस को कहा गया दैट दे शुड कलेक्ट डिजिटल एविडेंसेस अगेंस्ट द राइटर्स यूजिंग मोबाइल फोन्स एंड सीसीटीवी कैमरास एंड बुक देम अंडर स्ट्रिंजेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन पीनल कोड. गवर्नमेंट ने कह दिया है जो भी यूथ इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अग्निपथ स्कीम के लिए और इसको किसी भी हालत में रोल बैक नहीं किया जाएगा. मासिव प्रोटेस्ट के चलते गवर्नमेंट ने इसमें कुछ चेंजेस किए. पहला तो एज लिमिट था जो कि 21 ईयर से बढ़ा के 23 कर दी गई, जो हमने अभी डिस्कस की थी. इसके साथ ही
10% रिजर्वेशन कोटा रखा गया है कोस्ट गार्ड्स में, डिफेंस सिविलियन पोस्ट में एंड ऑल द 16 डिफेंस PSUs. 10% रिजर्वेशन इन सेंट्रल आर्म फोर्सेस एंड असम राइफल्स विद देयर 4 इयर्स मिलिट्री स्टेंट. 4 इयर्स कंप्लीट होने के बाद वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए 10% रिजर्वेशन कोटा की दिया जाएगा. साथ में इसमें 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, जो पहले 23 इयर्स था उसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने 26 इयर्स कर दिया है. और अगर आफ्टर 4 इयर्स ये लोग एंटरप्रेनर्स बनना चाहते हैं, अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको चीप रेट पे लोन्स भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी थ्रू बैंक्स. साथ में उनको लाइफ इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा ऑफ 48 लाख और डिसेबिलिटी कॉम्पनसेशन है ऑफ 44 लाख इन केस ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ 100%, 25 लाख इन केस ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ 75% एंड 15 लाख फॉर 50% डिसेबिलिटी. साथ में जो इसमें सैलरी है वो भी काफी अच्छी है और बढ़ाकर दी जाएगी जो अभी करंट लेवल पे दी जा रही है. अब गवर्नमेंट ने क्या कहा है, अग्निवीर का जो रिक्रूटमेंट होगा क्योंकि वो कम एज के लोग हैं तो हमारी जो आर्मी होगी वो वाइब्रेंट और यंग रहेगी, फ्यूचर रेडी आर्मी हमारी रहेगी. और इसकी प्रैक्टिस काफी सारे कंट्रीज में की जा चुकी है और ये एक सक्सेसफुल फॉर्मूला रहा है. और साथ में गवर्नमेंट एम्स टू कर्टेल द रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑन सैलरीज एंड पेंशंस. तो जो गवर्नमेंट का जो सैलरी कॉम्पोनेंट होता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड पेंशन बिल, दे टुगेदर अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द एनुअल डिफेंस बजट ऑफ 5.25 लाख करोड़. तो गवर्नमेंट सोच रही है कि इतना ज्यादा एक्सपेंसेस उनका बचेगा और साथ में इस फंड्स को मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए गवर्नमेंट यूज कर पाएगी. अब इस स्कीम के अनाउंसमेंट के बाद जगह जगह से लोगों ने प्रोटेस्ट किया और साथ में काफी सारी ओपिनियंस आने लग गई, क्यों ये स्कीम सही नहीं है, क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स है, क्या क्या फ्यूचर में इसको लेकर कंसर्न्स हो सकते हैं वो लोगों ने बताए. तो गवर्नमेंट ने भी अपने ओपिनियन दिया है, उन्होंने बताया है कि नहीं ये एक मिथ है और उन्होंने अपने फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं. तो चलिए पहला कंसर्न जान लेते हैं लोगों का. पहला ये है कि अग्निवीर में पोस्ट डेंजर फॉर सोसाइटी एंड मे जॉइन टेररिस्ट, क्योंकि अग्निवीर को एक नॉर्मल सोल्जर्स के जैसे पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी और 4 साल बाद उनको निकाल दिया जाएगा. अराउंड 75% लोग इससे निकल जाएंगे और हो सकता है इसके बाद उनको कुछ इम्प्लॉयमेंट ना मिले, तो हो सकता है वो टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन कर ले और अपनी ही कंट्री के लिए एक डेंजर बन जाए. तो ये एक कंसर्न पोर हो रहा है कई जगहों से. तो गवर्नमेंट ने बोला है कि जिन लोगों ने एक बार सेना की यूनिफॉर्म पहन ली वो कमिटेड होते हैं अपनी कंट्री के लिए, उनके लिए इतनी पेट्रियोटिक भावना होती है और आज तक पास्ट में एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है कि जो सेना से रिटायर हुआ हो उन्होंने टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लिया है. ठीक है, तो पहला तो ये कंसर्न था जिसका गवर्नमेंट ने कुछ इस तरीके से बताया है. दूसरा कंसर्न ये था, अब लोगों ने ये कहा है कि बहुत ही ज्यादा यंग रिक्रूटर्स रहेंगे तो उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं रहेगी और साथ में ये एक शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो उनके लिए वो फाइटिंग स्पिरिट नहीं रहेगी. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि एक तो ये अपनी आर्मी को एजाइल और यूथफुल बनाएगी. इस फॉर्मूले को काफी सारी कंट्रीज में ये अप्लाइड किया गया है और ये काफी एक सक्सेसफुल फॉर्मूला रहा है. और साथ में 4 साल के बाद जो 25% लोगों को रिटेन भी किया जाएगा तो उसमें उनकी पूरी तरीके से टेस्टिंग की जाएगी, फिजिकल और मेडिकल फिटनेस टेस्ट करके ही उन्हें परमानेंट केडर पे रखा जाएगा. और अग्निवीर दे विल ओनली फॉर्म 3% ऑफ द आर्म फोर्सेस इन फर्स्ट ईयर. तो जो एक्सपीरियंस्ड और न्यू लोगों का जो प्रोपोर्शन रहेगा वो हमेशा ही ज्यादा रहेगा, इसलिए आर्म्ड फोर्सेस की इफेक्टिवनेस इससे हार्म नहीं होगी. थर्ड कंसर्न है फ्यूचर ऑफ अग्निवीर इज इनसिक्योर, क्योंकि अग्निपथ एक शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट स्कीम है फॉर 4 इयर्स और अराउंड 75% लोगों को अपने अपने घर जाना पड़ेगा और अगर इन केस उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है तो वो क्या करेंगे, तो इसलिए उनका फ्यूचर भी इनसिक्योर है. इसके चलते गवर्नमेंट ने क्या किया है, 10% क्योंकि उनको रिजर्वेशन कोटा दे दिया है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में, असम राइफल्स में और साथ में उनको 12 इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिलेगा, तो इसलिए वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं. साथ में इग्नू के साथ भी टाई अप किया गया है इनको बैचलर डिग्रीज प्रोवाइड कराने के लिए. और अगर वो फ्यूचर में एंटरप्रेनर्स बनना चाहते हैं तो उनको इजी रेट्स पे बैंक लोन्स भी मिल जाएगा. इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है उनका फ्यूचर इनसिक्योर नहीं है, बल्कि उनका जो बायोडेटा रहेगा वो स्टैंड आउट करेगा बाकी लोगों से.
ठीक है, आप भी हमें कमेंट करके बताइए आपके समझ में अग्निपथ स्कीम कितनी सही है, कितनी गलत, क्या इसमें प्रॉज है, क्या कॉन्स है, आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप अग्निपथ स्कीम रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, इसको शेयर करिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सब्सक्रिप्शन यानी हमें मोटिवेशन। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।